एंड आई वाज पेंटिंग फॉर क्लास 12। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेंटिंग कितने मार्क्स का होता है। पेंटिंग 30 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, TMA के लिए 6 मार्क्स होता है। पेंटिंग में लोग सोचते हैं कि केवल ड्राइंग करना होता है, नहीं, इसमें आपको थ्योरी में प्राचीन काल के पेंटिंग, ड्राइंग, पिक्चर कलाकारी के बारे में लिखना होता है। उस समय के स्कूल कैसे थे, उस समय के मंदिर कैसे थे, उस समय की गुफाएं कैसी थीं, इन सब की जानकारी इस पेंटिंग के थ्योरी चैप्टर में दी जाती है। मुगल समय स्कूल की स्थिति कैसी थी, वहाँ की चित्रकारी कैसी थी, बनावट कैसी थी, राजस्थान स्कूल, पहाड़ी स्कूल, डेक्कन स्कूल, कंपनी स्कूल, इन सब में कलाकारी कैसी थी, इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। मौर्य समय, गुप्त समय, अजंता की गुफा, टेंपल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए बता देते हैं कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कम से कम पढ़कर अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुल 3 मॉड्यूल हैं। पहले मॉड्यूल से 12 मार्क्स, दूसरे मॉड्यूल से 12 मार्क्स, तीसरे मॉड्यूल से 6 मार्क्स आता है। तो पहला मॉड्यूल यदि तैयार कर लेते हैं तो आप 12 मार्क्स पा सकते हैं। इसमें मात्र 6 चैप्टर पढ़ना है और लास्ट मॉड्यूल 6 मार्क्स का आता है, इसे तैयार करें। लास्ट मॉड्यूल में मात्र 1 चैप्टर है, इसलिए इसे तैयार करना बहुत आसान है। यह मात्र 6 घंटे में आप तैयार कर सकते हैं और 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए फॉग पेंटिंग चैप्टर, यही मॉड्यूल नेम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे तैयार करें। और पहले में 6 चैप्टर हैं, इसे आप तैयार करें। दूसरे मॉड्यूल में 7 चैप्टर हैं, इसमें से पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरे मॉड्यूल का 7वां चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे तैयार करें। और आप इतना तैयार करने से 25 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि इसमें 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 70 मार्क्स में यदि आप अच्छा पेंटिंग करते हैं, वाइवा देते हैं, तो आप कम से कम 65 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और आपका मार्क्स होगा 90, जो अच्छा मार्क्स है। अतः पेंटिंग में कम मेहनत करने पर आप 90 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 के प्रथम चैप्टर में 5 घंटे का समय लगता है, दूसरे चैप्टर में 5 घंटे का, तीसरे चैप्टर में 4 घंटे का, चौथे चैप्टर में 6 घंटे का समय लगता है और पांचवें चैप्टर में 4 घंटे और छठे चैप्टर में 6 घंटे का समय लगता है। घंटे के आधार पर आप कम से कम समय लगने वाले चैप्टर को सेलेक्ट करें। प्रत्येक चैप्टर 2-2 मार्क्स के होते हैं। मॉड्यूल 2 के पहले चैप्टर में 4 घंटे लगता है और इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरे चैप्टर में 5 घंटे का समय लगता है, इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मॉड्यूल 2 के तीसरे चैप्टर में 4 घंटे का समय लगता है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और चौथे में 3 घंटे का समय 1 नंबर का क्वेश्चन, पांचवें में 3 घंटे का समय और 1 नंबर का क्वेश्चन, छठवें में
5 घंटे का समय लगता है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मॉड्यूल 2 के चैप्टर 7 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मॉड्यूल 3 जिसका नेम है फॉग पेंटिंग, इसमें मात्र 1 चैप्टर है, इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यह यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अवश्य तैयार करें। मैंने कितने घंटे में तैयार कर सकते हैं और कितने नंबर का आता है, इसके आधार पर आप कम से कम तैयार करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से चैप्टर को चूज करें और तैयार करें। धन्यवाद, नमस्कार। आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? एनआईएस का वाराणसी में सामने घाट सन्वीम अकेडमी स्कूल के ठीक सामने है। अच्छा अच्छा, तो आप हाई स्कूल इंटर का भी कराते हैं जी? एडमिशन हाई स्कूल इंटर में फेलियर जो छात्र हैं जी जी, तो इंटर में कितना पैसा लगेगा और हाई स्कूल में? दोनों कटने का मेरे यहाँ 16,500 रुपया फीस है।